हेलो एवरीवन, अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट थर्ड का स्टूडेंट है तो आपके लिए बिगेस्ट अपडेट लेके आए हैं। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए सब्जेक्ट को बात कर रहे हैं, बीएससी पार्ट थर्ड का। अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर यानी बाबू यूनिवर्सिटी से हैं और आपका बीएससी पार्ट थर्ड है, क्या है पार्ट थर्ड में अगर आपको मैथ्स पढ़ना है और आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी सेशन आपका का 21 से 24 सेशन है और अभी तक आप टेंशन में हैं कि आपका क्या तैयारी, कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, किस प्रकार से आप एग्ज़ाम निकालेंगे, क्या कंटेंट आप कहाँ से अवेलेबल कराएंगे, तो इसके रिगार्डिंग आपके लिए बेहतरीन अपडेट हम लोग लेके आए हैं। देखिए, अभी आपका बीएससी पार्ट थर्ड में हम लोग बात कर लेते हैं कि बीएससी पार्ट थर्ड में आपको टोटल कितने पेपर पढ़ना है। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि बीएससी पार्ट थर्ड में टोटल कितने पेपर पढ़ना है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पेपर 4 तक आप बीएससी पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर 5 से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या बात करते हैं, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पेपर 5 आपको पढ़ना होगा। नंबर 2 में अब पेपर आपको 6 पढ़ना होगा। नंबर 3 आपको पेपर 7 आपको पढ़ना होगा। नंबर 4 आपको पेपर आपका 8 पढ़ना होगा। यानी आपको बीएससी पार्ट थर्ड में टोटल 4 पेपर है मैथमेटिक्स का, यानी आपको 4 पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जीके जीएस आपका होगा उसको छोड़कर। तो यहाँ पर केवल मैथमेटिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है और आप वेट कर रहे थे कि मेरा सेलेक्टेड क्वेश्चन आएगा तो आप सेलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे, तो इसी कड़ी में आपके लिए एकदम बिगेस्ट अपडेट है। मतलब मानो कि आप लोगों का ऐसा ही मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 सभी का सेलेक्टेड क्वेश्चन विथ पीडीएफ सॉल्यूशन, क्या सेलेक्टेड क्वेश्चन विथ पीडीएफ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे प्रोवाइड कर, ओनली आपको कंप्लीट कोर्स आपको नहीं लेना है, मत लीजिए, केवल आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही चाहिए, उसका आंसर ही चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो अभी अगर आप 20 वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हैं ना, तो देखिएगा सब्सक्राइब के बगल में आपके पास ज्वाइन का बटन होगा। ज्वाइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेगा, बेसिक कम्बो 89 का, एक स्मार्ट कम्बो 159 का दिखेगा। तो स्मार्ट कम्बो पे 159 का आपको पेमेंट कर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना है। ओनली 159 में चारों पेपर का आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन विथ पीडीएफ सॉल्यूशन, नॉट अ वीडियो सॉल्यूशन, ओनली फॉर पीडीएफ सॉल्यूशन, पीडीएफ की फॉर्म में। चाहे तो उसे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, चाहे तो उसे आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं एग्जाम तक और जाके 100% एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम क्वेश्चन आपको 100% टकराएगा एग्जाम में, इस बात की मेरा गारंटी है। तो क्या करेंगे, आपको 7979707065 इस पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना। अगर कोई मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं आप स्मार्ट कॉम्बो वाली, तो उस केस में इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको गाइड कर दिया जाएगा किस प्रकार से आप ज्वाइन करें, कोई जो भी इशू होगा आपको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। अब किसी को इरादा होगा, नहीं सर हमको तो पूरा कोर्स चाहिए था, पूरा कोर्स हम पढ़ते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम होने वाला था 21 से 24 सेशन का, जो भी आपका कोर्स का जो प्राइस है ना, अगर पूरा कोर्स आप लेना चाहते तो उस केस में ना आपको ओनली आपको 999 रुपया में दे दिया जाएगा। और ये केवल ओनली फॉर किसके लिए है, 21 से 24 सेशन वाले के लिए है। 22 से 25 वाले इस कोर्स को ज्वाइन ना करें, उनको आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे इसका एग्जाम होगा वैलिडिटी मैं खत्म कर दूंगा, तो आपको ये एक्सेस आपको पूरा कंप्लीटेड रूप से नहीं रहेगा। हाँ, अगर किसी को लगेगा कि सर हम तो एक महीने के अंदर हम पढ़ लेंगे सर, तो फिर ले सकते हो, नहीं तो जैसे ही 21 से 24 सेशन वाले का एग्जाम होगा वैलिडिटी खत्म, फिर आपको नहीं मिलेगा। तो हम क्या बात किए, हम लोग यहाँ पे बात किए हैं कि आपका ये 4 पेपर है ना, इसका सेलेक्टेड क्वेश्चन विथ पीडीएफ सॉल्यूशन, यानी आपको सभी जितने भी कंटेंट है ना पीडीएफ सॉल्यूशन पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिलेगा।
अब इसमें देखो पेपर फाइव में जितने ग्रुप है वो सभी का मिलेगा, पेपर सिक्स में जितने ग्रुप है सभी का मिलेगा, पेपर सेवन में जितने ग्रुप है सभी का मिलेगा, पेपर एट आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल पेपर है। तो ऑप्शनल पेपर में पेपर एट का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, एस्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी का मिलेगा। अगर किसी को प्रोबेबिलिटी है, किसी को नंबर थ्योरी है, किसी को न्यूमेरिकल मेथड है, तो उस केस में वो कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ओनली आपको क्या मिलेगा, एस्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी का कंटेंट आपको मिलेगा सिलेक्टेड क्वेश्चन, उसका विथ पीडीएफ सॉल्यूशंस की फॉर्म में आपको दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेना चाहते हैं या कोर्स में जाना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको क्या बता दिया कि ओनली फॉर 159 में चारों पेपर को आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा सिलेक्टेड क्वेश्चन विथ पीडीएफ सॉल्यूशंस के फॉर्म में। आराम से एग्जाम में जाइएगा, बेहतरीन तरीके से आप लिख के आराम से आ सकते हैं, 100% क्वेश्चन टकराएगा, इसका मेरे गारंटी। जैसे आपका पार्ट वन में टकराया था, पार्ट टू में टकराया था, उसी पार्ट थर्ड में भी आपका टकराएगा। ओके, तो अगर यही कुछ बातें था जो आपके साथ शेयर करना था, मुझे बताना था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर मेंबरशिप ज्वाइन करके आप इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं उस केस में इस पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको हेल्प कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। जब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स, लव यू ऑल।